गहंग अवध बाधवा राम सिए तन सगुन जाए हर कही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भरम में बड़ी घूम से बांधवे बजे लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सगुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगलन अंगण फरकने लगे। ठीक है, ये लक्ष्मी दीदी हैं, कक्षा 11वीं पढ़ती हैं बुढ़सा में, है ना, और इनका प्रयास अच्छा है, कोशिश कर रही हैं। चलिए अब जो है प्रीति दीदी हैं, 10वीं पढ़ती हैं, ये भी जो है प्रयास करेंगी। बोलो। सुनत राम अभिषेक सुहावा बज ग्रह अवध बाधव राम सिया तन सगुन जनाई फरकी मंगल अंग सुहाए। अर्थ बोलिए हिंदी बिल्कुल शुद्ध हिंदी। राम चंद्र जी के राज अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही चलिए अब इसके बाद में ये लोग थोड़ा सा संस्कृत का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए। तमा क्या कर रहे हो खड़े हो ना, काट दीजिएगा ना, तो यहाँ खड़े अभी जरूरत पड़ेगी। हाँ यहाँ खड़े। अब बंदर बताइए। अरे अभी बताने का टाइम थोड़ी, अभी बता चुके हैं। चलो हाँ। तमा श्रीमत श्रुतम समापूर्ण राम दशरथ नापा प्रवेश मासह ग्रह विवस्तु प्रिय लक्ष्मी तत् श्रुत्वा सम आपको एक जो मुख्य बात बताते हैं, आप दोनों से पढ़ते बन सकता है, सिर्फ आप लोगों की गलती है कि आप लोग अभ्यास नहीं कर रहे। देखो अक्षर से आप पहचानते हो, ये पहचानते हो कि आ ना रही आयाम ही तो पहचानते हो। ठीक है, ये कहते नहीं मना करते नहीं, तो नहीं कहते, उसका कारण क्या है? अभ्यास नहीं है, प्रयास तो नहीं कर रहे हो। संस्कृत संस्कृत हिंदी ये बताओ हिंदी है ना जी। और ये जो शब्द है ये हिंदी में जैसे जैसे अंगूर लिखना है जी। तो ये ताम अम की बिंदी तो लगी ना इसमें, अब संस्कृत कहाँ है अभी? ठीक है, अभी तुमसे ज्यादा जो है मामी पढ़ देंगे, हमको भरोसा है। तब फिर माता जी आओ एक मिनट, देखो इनको जो है इनको संकेत मिलना चाहिए। आइए आप एक मिनट आओ, गलत सही दिक्कत नहीं, आइए। इनको जो है इनको ना इनको प्रेरणा मिलेगी। देखो मामी जी पढ़ रही हैं, देखो। सुनत राम अभिषेक सुहावा बज ग्रह 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 अवध बाधावा, है ना, ये हिंदी है ना। राम सिया तन सगुन जाए फरक ही मंगल अंग सुहाए। ठीक है, देखो ये माता जी को कितने सालों के शादी हुई माता जी? 20 साल हो गए शादी हुई, 19 साल हो गए उनको पढ़ाई लिखाई छोड़े, और आप लोग अभी पढ़ रहे हो आज भी, है ना। इनको जो है ये ठीक है, और ये 6वीं से चालू हो जाता है संस्कृत, आजकल तो 30वीं चालू, और आप लोगों की ही गलती है। क्या करना मतलब अभ्यास चालू कर दो। ठीक है, शुरू कर दिया। नहीं रामायण अपनी पुस्तक पढ़ो ना, अपनी पुस्तक पढ़ते आना चाहिए, अपनी कोई भी पुस्तक पढ़ो। ठीक है,
ठीक है, अभ्यास जरूरी है ना, सार जो है मतलब अभ्यास, आप अभ्यास करोगे समान लगेगा। ठीक है, संस्कृत में सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ाई थोड़े थोड़े। हां ठीक है, 16 साल सन 2004 तक पढ़े हैं बस।